ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरदारपुर दसई अमझेरा द्वारा सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर संयुक्त रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राहुल चौहान को किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के हित में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि विगत दिनों तहसील के विभिन्न ग्रामों में ओलावृष्टि एवं बेमौसम वर्षा के कारण पककर तैयार गेहूं, चना, लहसुन, प्याज आदि फसलों एवं सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। पूरी सरदारपुर तहसील में गेहूं, चना, लहसुन, प्याज आदि फसलों एवं सब्जियों में भारी नुकसान हुआ है। इसलिए शीघ्र ही सर्वे कर किसानों को नष्ट फसलों एवं सब्जियों का मुआवजा एवं फसल बीमा प्रदान किया जाए। साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं चने की खरीदी हेतु पंजीयन की तारीख 10 मार्च को समाप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से कई किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं। उसकी तारीख 31 मार्च तक की जाए। सरदारपुर से जगदीश मारू की रिपोर्ट। दिनांक 20/3/2023 प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा अनुभवी अधिकारी राजस्व क्षेत्र सरदारपुर जिला था विषय तहसील सरदारपुर के विभिन्न ग्रामों में असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि से नष्ट हुई गेहूँ, चना, लहसुन, प्याज आदि फसलों एवं सब्जियों का उचित सर्वे कर किसानों को फसल मुआवजा एवं फसल बीमा प्रदान करने हेतु एवं चने की गेहूं एवं चने की पंजीयन तिथि 31 मार्च तक बढ़ाए जाने, किसानों द्वारा सरकारी संस्था का ऋण जमा करने की तिथि 31 अप्रैल करने, वर्ष 2017 की सोयाबीन की उपज की भावांतर राशि किसानों को प्रदान करने के संबंध में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।